काल में हूँ वरेनोली आदित्य का गोस्ट, और आज इस वीडियो हाँ तो मैं वरेनोली आदित्य बोल रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सी केबल किसके लिए कनेक्ट होती है, कैसे कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियो इंटरफेस में, और उसको कोई अल्टरनेट भी हो सकते हैं या फिर कोई एडिशनल चीज़ें लेके हम अपने जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सकें या रिकॉर्डिंग को एक्सटेंड कर सकें, वॉट एवर वॉट एवर, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखो, हो सकता है आपको ये चीज़ें पता हो पहले से, पर अगर नहीं पता तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी तो करना ही है इस चैनल को। उसके अलावा मेरा ऑफिशियल चैनल है वन एंड ओनली आदित्य, जिस पर मैं मेरे सॉन्ग्स और इस स्टूडियो में रिकॉर्ड किए हुए सैंपल्स वगैरह डालता हूँ, तो एक बार उसको भी जरूर चेक कर लें, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। और ये मेरा स्टूडियो है चलता फिरता, मतलब मैं जाता हूँ वहाँ, ये स्टूडियो जाता है, तो हाँ मैं बताता हूँ कि सारी केबल्स इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, तो अब मैं बताऊँगा आपको कैसे करें उनको कनेक्ट। हाँ तो जैसा कि आपको देखने वाला, बैठा हूँ अपने स्टूडियो में और मेरे हाथ में ये काफ़ी सारी केबल्स हैं, तो अब मैं आपको एक इस वीडियो में टिप शेयर करूँगा कि आप कैसे इन सब केबल्स को, ये देखने में आ रहा है, आप कनेक्ट करें इसमें, और कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसके मदद से आप अपने जो केबल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, पीछे कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट या कन्वर्ट कर सकते हैं अपना जो भी है, वो आगे मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले करते हैं, आपको एक चीज़ लेना होगा जो एडिशनल है, जो किसी के इसके साथ नहीं आता है, ये कन्वर्टर, इसको बोलते हैं 6.2 mm टू 3.5 mm हेडफोन जैक जो कन्वर्टर आता है, या ऑक्स केबल जो कन्वर्टर आता है 3.5 mm वाला, तो ये 6.2 को कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल ऐसे 6.2 को 3.5 में। तो ये आप ले लें अमेजोन वगैरह कहीं भी जहाँ भी मिलता है किसी भी साइट से, लगभग 150 या उसके करीब का आपको ये मिल जाएगा, तो ये आपके पास है ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसके बाद अब आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने दो ले रखे हैं इस तरह के पेयर, तो क्या है पीछे में दो आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले ये वाली जो केबल है, ये हमारा जो इसमें इनपुट वाली केबल है यूएसबी मेन, क्योंकि यूएसबी ऑडियो इंटरफेस से, तो ये वाली केबल तो लग जाएगी पीछे, ठीक है, तो ये हम लगा दिया पीछे ये ऐसे करके, और आपको पता है कि ये ड्राइवर इंस्टॉल करके और सीधा हम प्लग प्ले एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा पीछे देखने वाला होगा आपको राइट एंड लेफ्ट करके दो दिए हुए हैं आपको ये आउटपुट्स, तो ठीक है लाइन आउटपुट्स जो दिए हुए हैं लेफ्ट और राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये जैसे मैंने दिखाया वो जो कन्वर्टर लेके अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो ये लगाया, मान लिया आपके पास दो हेडफोन हैं, तो मैंने ये दोनों तरफ ये लगा दिए, ठीक है। उसके बाद मान लो हेडफोन की जो केबल होती है, पता है ऑक्स वाली होती है 3.5 mm जैक वाली होती है, तो ये ली हेडफोन वाली केबल, अपने जो नॉर्मल फोन के साथ जो हेडफोन आते हैं किसी भी, तो वो आपने इसमें लगा दिए, ठीक है। और एक और लिया आपने, एक और भी लगा दिया इसमें, तो जब दोनों लग जाएंगे, एक मिनट मैं लेके आता हूँ उसको पीछे से, ये लीजिए, अब आपके दो हेडफोन लग चुके हैं पीछे, तो आप आउटपुट एक जो इसके साथ आता है हेडफोन, उनके अलावा आप इनसे भी आउटपुट ले सकते हैं। तो आपके समझ में आ चुकी बात, तो ये एक्सटर्नल चीज आप खरीद कर आप इसको ले सकते हैं, लग नहीं रहा, ठीक है। और उसके अलावा मैं इसको निकाल देता हूँ। अब अगली जो बात है, जो स्टूडियो मॉनिटर कनेक्ट करते हैं उसके लिए भी हम 6.2 mm इसमें की केबल, जो बैलेंस्ड केबल मानी जाती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर XLR को जो होती है उसको कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करके और इसमें लगा सकते हैं। तो मान लिया कि स्टूडियो मॉनिटर वाला जो है वो है, क्या बोलते हैं इसको यार, केबल है या व्हाटएवर, तो ठीक है ये लग गया हमारा स्टूडियो मॉनिटर लेफ्ट वाला, ठीक है। तो एक तरफ स्टूडियो मॉनिटर, मान लो दो हैं हमारे पास, तो हमने दोनों की दोनों तरफ लगा देंगे, तो हमारे स्टूडियो मॉनिटर कनेक्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि केबल्स वगैरह कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी केबल किसके लिए आती है, तो वो वाला डाउट आज आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडियो मॉनिटर कनेक्ट हो गए, तो हमने हेडफोन कनेक्ट कर दिए, स्टूडियो मॉनिटर कनेक्ट कर दिए, तो वो कन्वर्टर होना आपके पास ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो इसके साथ हेडफोन आता है स्कारलेट का, अगर आप बंडल खरीदा है आपने, तो इसके हेडफोन की जो केबल है ये आती है, और अगर आपको पता नहीं है तो ये निकल भी जाती है, आप उसको अगर ऐसे रोटेट करोगे तो ये अपने नॉर्मल 3.5 mm फीमेल जो कन्वर्टर है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, 3.5 mm जैक में कन्वर्ट हो जाती है। और वैसे हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके जो आगे हेडफोन के लिए अलग से दिया हुआ है, तो हमें या तो हम इसको पीछे भी लगा सकते हैं एज फाइनल जो
मॉनिटर, स्टूडियो मॉनिटर होते हैं उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको लगा सकते हैं जहाँ आगे जो दिया हुआ है मेन हेडफोन के लिए आउटपुट, तो ये हेडफोन वाले में हमने लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा फैंटम पावर वगैरह ये तो आपको अलग वीडियो में पता चल जाएगा। अब बारी आती है माइक वाले की और इंस्ट्रूमेंट वाले की। तो मैं जैसा कहना चाह रहा था कि मान लो आपके पास फ़ोन में कोई आप कैराओके प्ले करना चाहते हो और उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, या फिर फ़ोन में आपकी कोई भी रिकॉर्डिंग है A to Z व्हाटएवर कुछ भी है आपके फ़ोन में, या फिर आपके आईपैड वगैरह किसी भी चीज़ में है, तो आप क्या करोगे, इस केबल को लोगे। सबसे पहले इसमें जो आपको देखने में आ रहा होगा होल है, इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑक्स केबल ली हमने, ये एक टिप है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए, ये लगाई इसमें, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गया हमारा, तो अब क्या होगा, जो भी सिग्नल इसके अंदर आएगा, पर हमें ये कि ये याद रखना है हमें इसको इंस्ट्रूमेंट मोड में डाल देना है, ठीक है। अब जो अगला वाला जो ऑक्स केबल का दूसरा वाला सिरा है, उसे क्या करेंगे, हम हमारे फ़ोन या जिसमें भी हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, कोई प्लेयर है उसमें लगा देंगे, ठीक है। मान लो कि मैंने मेरे फ़ोन में लगा दिया, उसके बाद अब जो इनपुट है वो इसमें जाएगा, तो हम आराम से सेकंड वाले इनपुट पे गेन एडजस्ट करके और उसको भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपको। सारी चीज़ें सिर्फ ये क्वार्टर इंच जो केबल है कन्वर्टर वो काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अच्छी क्वालिटी में अगर आपको मान लो आपको अपना कोई सिंथेसाइजर भी रिकॉर्ड करना है, हाँ मैंने प्रूव करके दिखाया कि सिंथेसाइजर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप क्या करोगे, ऑक्स केबल सिंथेसाइजर का आउटपुट लोगे इसके अंदर, जो अपने सिंथेसाइजर के अंदर लग जाएगा, सेम ऐसा कन्वर्टर यूज़ करोगे आप दोनों तरफ, या फिर केबल ही इस तरह के ले सकते हो। ये भी केबल जो है 6.2 mm वाली, 6.2 mm, या फिर आप अगर आपके पास ऑक्स केबल पड़ी हुई है तो आप ये कन्वर्टर खरीदिए, दोनों तरफ लगाइए और आराम से आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने सिंथेसाइजर को, अगर आपको सिंथेसाइजर से बेस्ट क्वालिटी चाहिए। अगर आप इस माइक से रिकॉर्ड करेंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो क्वालिटी अच्छी भी मिल जाएगी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करने में। उसके अलावा अब हम माइक रिकॉर्ड करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर जैसे इलेक्ट्रिक गिटार मान लिया जो होता है, उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गिटार की केबल सिंपल आगे लगाई, हमारा इलेक्ट्रिक गिटार इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। गेन एडजस्ट किया और जैसे लाइन है तो लाइन, इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक गिटार इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट वाले में लगा देंगे। उस टाइम फैंटम पावर ऑफ कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट के लिए मैक्सिमम जो है फैंटम पावर नहीं चाहिए होती, तो फैंटम पावर ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्विक टिप है। उसके अलावा माइक के लिए आप XLR केबल यूज़ कर सकते हो, जैसा कि देखने में आ रहा है इसमें जो तीन वायर के स्लॉट्स हैं, जो भी बोलते हैं इनको, छेद हैं या डंडिया है। तो अब हम माइक ये सिंपल हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है, नॉर्मल। अब हम कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फैंटम पावर चाहिए, तो हमने फैंटम पावर वाला बटन प्ले कर ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जैसे माइक है तो हमने लाइन वाले में डाल दिया, अब हम रिकॉर्ड कर सकेंगे हमारे माइक को भी। तो और माइक जैसे कई माइक में ये वाली केबल आती है, तो आप इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो माइक। तो ये टिप थी आज के इस वीडियो में, मैंने कुछ ऐसी चीज़ बताई जो एक कोई नहीं बताता, और शायद आपको हेल्पफुल लगी होगी, मुझे लगता है कि लगी होगी, क्योंकि मुझे भी ये डाउट होता था कि कौन सी केबल किसके लिए लगानी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सी केबल लगती है, एंड वॉट एवर माइक में कौन सी लगानी है, हेडफोन में कौन सी लगेगी, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको इस वीडियो में, सारी चीज़ें बतानी, लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी। सो ऐसे ही आगे हेल्पफुल वीडियोज़ आते रहेंगे, और आप इसको खरीद लेना, ये आपके काम आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य, और मेरा ऑफिशियल चैनल है वन एंड ओनली आदित्य, उसको एक बार जरूर चेक कर लो। थैंक यू वेरी मच, हेल्पफुल वीडियोज आते रहेंगे, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।